गिरफ्तारी दूंगा, एक नकेश की गिरफ्तारी दूंगा। आज दिन भर की बात के बाद इनमें से एक मामला सुलझा है। एमएलए देवेंद्र बबली ने एक छोटी सी वीडियो जारी करके माफी मांग ली। विकास सीसर और रवि आजाद, उनके खिलाफ एमएलए ने कंप्लेंट नहीं किया, वो सरकार का मुकदमा, और सरकार उसे वापस लेने के लिए अब तक कतई तैयार नहीं है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और Facebook पेज में। जिस तरह से दोस्तों आप पिछले लगातार 3-4 दिन से देख रहे हैं कि हरियाणा के जिला फतेहाबाद के टोहाना हलके में जिस तरह विवाद पैदा हुआ है किसानों और सरकार के बीच, तो वो लगातार सुर्खियों में है। और आप सबने भी देखा होगा कि यह विवाद कहां से शुरू हुआ था। देखिए यह वीडियो, जहां पर के टोहाना के जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली किसानों को गालियां देते हैं। हालांकि गलती वे यहां पर कुछ ऐसे लोगों की भी थी जो उपद्रवी थे, जिन्होंने के शुरुआत में देवेंद्र सिंह बबली के विरोध में जिस तरह से गालियां दी या फिर तोड़फोड़ की, उसके बाद से यह विवाद पैदा हुआ, जिसके बाद देवेंद्र सिंह बबली ने भी गालियां दी। हालांकि जो गालियां देने वाले व्यक्ति थे, हो सकता है कि वह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो या हो सकता है कांग्रेस के कार्यकर्ता हो, जिसके बाद यह विवाद पैदा हुआ। हालांकि उन्होंने गालियां दी वो तो चलो चलता है, क्योंकि वो आम लोग हैं। लेकिन जिस तरह से जनप्रतिनिधि होने के नाते देवेंद्र सिंह बबली ने वो गालियां दी, वो उनको शोभा नहीं देती थी। उनका गुस्सा जायज हो सकता है, लेकिन एक जनप्रतिनिधि द्वारा इस तरह सरेआम किसानों को गालियां देना कहां तक सही है, वो भी माँ बहनों की। जिसके बाद यह विवाद बढ़ा और वहां पर पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। हालांकि उसके बाद जो किसानों वहां पर हिरासत में लिए गए थे, जिन पर मुकदमे दर्ज किए गए थे, उसके बाद उनमें से कुछ किसानों को छोड़ दिया गया। और उसके बाद जब किसानों ने उनका विरोध किया और जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने यह ऐलान किया कि टोहाना में देवेंद्र सिंह बबली का विरोध किया जाएगा, उसका कार्यक्रम रखा गया। जिस तरह से टोहाना की कोर्ट में किसानों ने इतनी संख्या में वहां पर एकत्रित होकर देवेंद्र सिंह बबली का विरोध किया, और जिस तरह से देवेंद्र सिंह बबली का विरोध करते हुए हजारों की संख्या में किसान पहुंचे थे, तो वह देखने लायक नज़ारा बन गया था। हालांकि पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए थे। लेकिन उसके बाद खबर आई, जिस तरह से गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ऐलान किया था कि प्रशासन मान गया है और उसके बाद जो मुकदमे दायर किए गए थे उन किसानों को छोड़ दिया जाएगा। हालांकि गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने उसके बाद एक रात को वीडियो वायरल की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिन्होंने देवेंद्र सिंह बबली के गांव में जाकर या घर की तरफ जाकर वहां पर जो गिरफ्तारियां हुई है, उसका संयुक्त किसान मोर्चा से किसी तरह का कोई संबंध नहीं है। लेकिन उसके बाद गुरनाम सिंह चढ़ूनी की खूब निंदा की गई। जो आंदोलनकारी किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे हुए हैं, उसके बाद उनको लाइव आना पड़ा और गुरनाम सिंह चढ़ूनी को खरी खोटी सुनाई, जिसके बाद लोगों में ये आशंका पैदा हो गई थी कि कहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी किसान संयुक्त मोर्चा से या किसान आंदोलन से हट तो नहीं गए हैं। लेकिन जब कल टोहाना में जिस तरह से जो दो नेता गिरफ्तार किए गए हैं, जिनसे अलग अलग जिन पर मुकदमे लगाए गए हैं और अब तक उनको रिहा नहीं किया गया है, जिनमें रवि आजाद और विकास सिंसर है, जिन पर कि यह पूरा विवाद हो रहा है। हालांकि आप सबने भी देखा होगा, कल सुबह से ही टोहाना में किसानों की भीड़ जुटना शुरू हो गई थी। और कहीं पर भी आपने देखा होगा, जब किसान आंदोलन चल रहा था और जब टोहाना की अनाज मंडी से और टोहाना थाने तक जब यह काफिला चला किसानों का, तो लाखों की संख्या में किसान पहुंचे हुए थे। हालांकि आसपास पंजाब के एरिए से भी किसान आए हुए थे और हरियाणा के भी हर जगह से किसान पहुंचे हुए थे। जिस तरह से संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया था कि देवेंद्र सिंह बबली से माफ़ी भी मंगवाएंगे और जो किसान नेता गिरफ्तार है उनको भी रिहा करवाएंगे और जो किसानों पर मुकदमे दायर किए गए हैं उनको भी हटवाएंगे, जिसके बाद खुद किसान
किसान नेता राकेश टिकैत जो कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता है वो वहां पर पहुंचे, गुरनाम सिंह चढ़ोनी पहुंचे और योगेंद्र यादव पहुंचे और इसके बाद से लगातार किसानों में पूरा जोश भर गया था। जिस तरह से बड़े बड़े किसान नेता गिरफ्तारी देने के लिए टोहाना में पहुंचे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की भी सांसें फूली हुई थी और हरियाणा सरकार भी मुश्किल में पड़ी हुई थी। हालांकि आप सबको पता है कि ना तो देवेंद्र सिंह बबली झुकने के लिए तैयार थे और ना ही किसान पीछे हटने के लिए तैयार थे। हालांकि जब पुलिस प्रशासन को लगा कि अब इतने लोगों को वो ना तो जेल में डाल सकते हैं और ना ही इतने लोगों की गिरफ्तारी संभव है, क्योंकि जिस तरह से जब राकेश टिकैत ने ऐलान किया तभी यह साबित हो गया था कि देवेंद्र सिंह बबली को तो माफी मांगनी ही पड़ेगी, क्योंकि इतने बड़े नेता अगर किसानों के बीच आ रहे हैं तो किसानों का लाखों में होना स्वाभाविक था और ऐसा ही हुआ। जब आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत टोहाना में पहुंचे उसके बाद से लगातार सभी न्यूज चैनलों पर भी छा गए थे। हालांकि हमारे देश की मीडिया जो मोदी सरकार का समर्थन करती है या जो मोदी सरकार के एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से ही चल रही है, उन्होंने राकेश टिकैत या किसी भी नेता के बयान को नहीं दिखाया। हालांकि उन्होंने थोड़ा बहुत ये जरूर दिखाया कि किसान आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं टोहाना में, वरना इतने लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए थे और लाइव ना चले ऐसा तो हो ही नहीं सकता। लेकिन पूरी की पूरी मीडिया जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के एडवर्टाइजमेंट के ऊपर ही चल रही है तो वह कोई भी दिखाने के लिए तैयार नहीं था और जो भी न्यूज छापी गई अखबार हो या न्यूज चैनल की वेबसाइट हो उन पर भी इस तरह से छापा गया जैसे कि कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बल्कि कोई नॉर्मल नेता ही विरोध प्रदर्शन कर रहा है कुछ लोगों को लेकर। लेकिन दोस्तों किसानों के बीच सोशल मीडिया के माध्यम से यह संदेश फैल गया था कि टोहाना में देवेंद्र सिंह बबली से माफी भी मंगवानी है और जो किसान नेता गिरफ्तार हुए हैं उनको भी छुड़वाना है, जिसके बाद राकेश टिकैत ने यह ऐलान कर दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए हम टोहाना थाने में जाकर गिरफ्तारी देंगे और देखते हैं कि टोहाना के पुलिस के पास कितनी जेलें हैं जो वह किसानों को गिरफ्तार कर रही है। उसके बाद दोस्तों लगातार दिन भर से अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों ने लाइव चलाया और पूरी फेसबुक और यूट्यूब हर जगह किसान आंदोलन छाया हुआ था। हालांकि किसान पूरी रात बैठे रहे लेकिन उसके बावजूद भी उन किसानों को रिहा नहीं किया गया। हालांकि देवेंद्र सिंह बबली की एक वीडियो सामने आई थी जो आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी, जिसमें कि वो कह रहे थे कि जिन्होंने मेरे साथ वो सब किया उस दिन मैं उनको माफ़ करता हूँ और जो मेरे से गलती हुई मैंने गालियाँ दी उसके लिए मैं खेद प्रकट करता हूँ। हालांकि किसानों ने तो मांग की थी कि देवेंद्र सिंह बबली लाखों किसानों के बीच मंच पर आए और उसके बाद हाथ जोड़कर माफ़ी मांगे, लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन फिर भी किसान संतुष्ट थे कि देवेंद्र सिंह बबली ने माफ़ी मांगी और वह किसानों के सामने झुके और उन्होंने खेद प्रकट किया। उसके बाद मामला उठता है अगर देवेंद्र सिंह बबली ने मुकदमे वापस ले लिए, अगर देवेंद्र सिंह बबली ने अपनी गलती मान ली और किसानों से माफ़ी मांग ली, तो उसके बावजूद भी हजारों की संख्या में किसान पुलिस थाने में टोहाना में क्यों डटे रहे? उसकी वजह यह थी कि जो किसान नेता रवि आजाद है और विकास सिंसर है उनको रिहा नहीं किया गया, उन पर अलग अलग धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज कर दिए गए पुलिस के द्वारा। इसके बाद पुलिस प्रशासन पर सवाल उठता है जिसके लिए लड़ाई हुई थी या जिसके लिए गिरफ्तारी की गई थी उस देवेंद्र सिंह बबली ने, उस विधायक ने, जननायक जनता पार्टी के ने अगर माफी मांग ली है तो क्या फिर जायज है रवि आजाद या विकास सिंसर को इस तरह से जेल में रखना? हालांकि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ोनी, योगेंद्र यादव और राकेश टिकैत तीनों ही ये ऐलान कर चुके हैं कि जब तक वो नेता रिहा नहीं किए जाएंगे, जो किसानों के बच्चे पुलिस ने गिरफ्तार किए बिना वजह, जब तक वो रिहा नहीं होंगे तब तक हम यहीं पर रहेंगे और टोहाना थाने में पूरी रात हजारों की संख्या में किसान बैठे रहे, जैसा आप वीडियो के स्क्रीन पर देख भी रहे हैं जहां पर राकेश टिकैत, गुरनाम सिंह चढ़ोनी जैसे नेता यहां पर बैठे हुए हैं, जिस कारण हजारों की संख्या में किसान टोहाना थाने में रात भर जागते रहे। हालांकि कुछ किसानों की संख्या कम भी हुई थी, पुलिस प्रशासन ने भी जो अलग अलग टुकड़ियां बुलाई थी इधर उधर से उनको वापस भेज दिया था, तो किसानों की संख्या भी थोड़ी कम हुई थी जब देवेंद्र सिंह बबली ने माफ़ी मांग ली थी। लेकिन दोस्तों
सवाल अभी भी टिका हुआ है कि आखिरकार सरकार जानबूझकर किसानों को यहाँ उलझाए रखना चाहती है या फिर पुलिस प्रशासन को डर है जिन नेताओं को उन्होंने गिरफ्तार किया है, विकास सिंसर हो या रवि आजाद हो, कि वो उनकी पोल ना खोल दे, या फिर रवि आजाद या विकास सिंसर के पास ऐसी कोई जानकारी है जिससे कि हरियाणा सरकार या पुलिस को खतरा हो जिस कारण उनको गिरफ्तार किया हुआ है और अभी तक रिहा नहीं किया। आप खुद सोच सकते हैं जिनके समर्थन में हजारों लोग उतरे हुए हैं, तो आखिरकार क्या मजबूरी है पुलिस प्रशासन की जो उनको अभी तक रिहा नहीं किया गया। हालांकि राकेश टिकैत ने साफ कर दिया कि पुलिस प्रशासन से कोई संतुष्टि वाली बात अभी तक नहीं हुई। तो दोस्तों, पूरी रात से हजारों किसान टोहाना थाने में पहुंचे हुए हैं और किसानों का कहना कि अगर इन दोनों नेताओं को रिहा नहीं किया गया तो हजारों की संख्या में आज फिर किसान वापस टोहाना थाने में जुटेंगे। हालांकि किसानों ने तो ये तक कह दिया कि हमने अपने अपने गांव में फोन कर दिया है और जल्दी से जल्दी आज सुबह से ही किसानों की संख्या यहाँ पर दोबारा से लाखों में होने वाली है और कल से भी ज़्यादा किसान टोहाना थाने के अंदर घुस जाएंगे। हालांकि दोस्तों, किसानों ने साफ कर दिया है या तो उन किसानों को रिहा करो जो पुलिस ने बेवजह पकड़े हुए हैं या फिर हमको भी गिरफ्तार करो। हालांकि टोहाना पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर रही है और ना ही उन किसानों को रिहा कर रही है जिनको उन्होंने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इसलिए नहीं कर सकती क्योंकि बड़े बड़े किसान नेता यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके पीछे लाखों का जन आंदोलन है जिसको गिरफ्तार करना पुलिस के लिए संभव नहीं है। हालांकि दोस्तों, अब आगे क्या होगा वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन इतना तो साफ है कि जो किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है वो छोड़ने पड़ेंगे क्योंकि इतनी संख्या में किसान पहुंचे हुए हैं तो कि पुलिस की मजबूरी हो जाएगी। जिस तरह से देवेंद्र सिंह बबली की मजबूरी हो गई किसानों के सामने झुकना, उसी तरह पुलिस की भी होगी। हालांकि पुलिस की छवि किस तरह से बनी हुई हरियाणा में या पंजाब में या अन्य राज्यों में वो आप सबके सामने है ही। अब पुलिस प्रशासन को मजबूर होकर किसानों को छोड़ना पड़ेगा। जो भी न्यूज़ होगी दोस्तों, हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो यहाँ क्लिक करके फॉलो करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अगर दोस्तों आप यह हमारी वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो कृपया करके इस लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करें और साथ में इस बेल आइकन पर भी क्लिक करें।